Hey everyone, welcome back to your channel D Pharma Zenote. This video is D Pharma second year student subject. यहाँ पे देख रहे हैं आप drug store and business management लिखा हुआ है. ओके, तो आप लोग बोल रहे हो कि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, जो हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, उन्हें आप कह रहे हो. तो फिर मैं दिखा देती हूँ कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है. ये रियल में इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है. फाइव टाइप अकाउंट. अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं तो यहाँ पे बताना हुआ है, ठीक है. तो पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट है यहाँ पे. ओके, तो इसी को अच्छे से डिवाइड किया गया है, बताया गया इसी के बारे में, ठीक. और जिन लोगों के पास टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, वैसे तो टेलीग्राम ग्रुप नेम डी फार्माइजी नोट्स ही है, जिन लोगों के पास नहीं है उन लोग ऐसे ही देख सकते हैं कि आपके लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ. अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, लीड टाइम. ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. बजटिंग, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है. और बुक कीपिंग, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. और वीईडी एनालिसिस, इसको तो मैंने बना दिया है वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है, सभी लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा जरूर, ठीक है. और सामान्य खाता बही, ठीक है, लेजर जिसे बोलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक. और यहाँ पे देखिए सेवन नंबर हमारा है, लाभ हानि खाता तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक. तो इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी आप लोग के लिए. और इंडस्ट्री, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है. तो यहाँ पे मैंने सिर्फ समझा हुआ है, इसके बारे में पूरा लिखा नहीं हुआ, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है. तो ये पॉइंट्स हैं, इसको भी कुछ अपने से बढ़ा के लिख सकते हैं. अगर मुझे मिलेगा तो मैं बुक, मेरे पास वैसे है इसकी, मैं सेंड कर दूंगी अगर आप लोग कहोगे तो, ठीक है. और देखिए फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्य बैंक जिसे कहते हैं, ठीक है. तो इसके बारे में भी है. और नेक्स्ट मेथड ऑफ द सेलेक्शन ऑफ फार्मासिस्ट. हम लोग ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को पता होना चाहिए कौन कौन से फार्मासिस्ट सेलेक्ट करने हैं, मतलब MR जो हमें शॉप पे दवाइयाँ दे के जाएंगे, ठीक है. सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट क्या है, वो उसी का टॉपिक था, हेडिंग थी, ठीक है. एक्सटर्नल सोर्स. और ये नेक्स्ट टॉपिक सोल सेल प्रमोशन वाला, ठीक. तो यहाँ पे सिर्फ वो जो हेडिंग होती है ना, वही लिखा हुआ है, पूरा नहीं लिखा हुआ है. और यहाँ पे सेल्समैन सिर्फ जो MR होते हैं, जो दवाइयाँ देके जाते हैं मेडिकल स्टोर वगैरह पे, ओके, उनके बारे में ये सब आता है. और देखिए ये मार्केटिंग है, ये भी टॉपिक आता है. एडवर्टाइजिंग, किस किस मेथड से हम लोग एडवर्टाइज कर सकते हैं और कौन कौन से मेथड से नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी. और इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है, पूंजी को कैसे कंट्रोल करें. EOQ मीनिंग मैक्सिमम मेथड, मिनिमम मैक्सिमम मेथड है. और ये प्रीपेचुअल विन कार्ड इन्वेंट्री टॉपिक इम्पोर्टेंट है. सरप्लस मार्केट, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक टॉपिक. ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक. और ये सेलेक्शन ऑफ सप्लायर, ठीक है. मार्केट रिसर्च, इसको देखिए कैसे लिखा हुआ है, मैंने पेज ऐड कर लिया, ठीक है. ये रफ है पीछे का, क्रेडिट, ठीक है. तो ये वाला किसका है पता है, इसका है सेलेक्शन ऑफ सप्लायर का, ये पूरा, ठीक है. ये भी न्यू टॉपिक है, इसको भी देख लीजिएगा. सेलेक्शन ऑफ प्राइस फॉर्मूला, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मेडिसिन को.
होलसेल चैनल। ठीक है, तो ये हो गए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और आई होप आपने इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ा होगा। अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के पास एक दो दिन का टाइम तो है ही, और जब हम लोग का एग्जाम होता था ना तो बिल्कुल भी एक दिन का भी टाइम नहीं मिलता था। फर्स्ट दिन फार्मास्यूटिक्स, जस्ट सेकेंड दिन DSVM का ही था। ओके, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को टाइम मिला है, और आप लोग को टाइम मिला है। ठीक है, तो इस टाइम का बहुत ही अच्छे से फायदा उठाइए, और आप लिख लिख के, जैसे मैंने सादे पेज में बताया है ना, लिख के जरूर प्रैक्टिस करिएगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि लिख नहीं पाए थे उतना ज्यादा, पूरी कॉपी नहीं भर पाए थे, छूट गया था, तो जरूर इस बार कॉपी भर के आइएगा अच्छे से। ठीक है, और थैंक यू, टेक केयर, आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो।